रोहड़ू विधानसभा सीट वो सीट है जो वीरभद्र सिंह की कर्मभूमि के नाम से जानी जाती है। रोहड़ू सीट पर हमेशा वीरभद्र सिंह का प्रभाव रहा है। बीते 40 वर्षों में भाजपा यहां सिर्फ एक बार जीती है, वो भी केवल 2009 के उपचुनाव में। आज भी इस सीट पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह से बड़ा और असरदार कोई नाम नहीं दिखता। अब उनके बाद उनके परिवार के लिए भी रोहड़ू वालों के दिल में विशेष स्थान दिखता है। निसंदेह वीरभद्र फैक्टर अब भी रोहड़ू में बड़ा असर रखता है और कांग्रेस के मोहनलाल बरागटा हॉली लॉज के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में जाहिर है कि इस बार भी वीरभद्र फैक्टर यहां बरागटा के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। भाजपा ने शशिबाला एक बार फिर से मैदान में उतारी है, लेकिन इस बार भी उनकी डगर कठिन नजर आ रही है। उधर बतौर निर्दलीय मैदान में रहे राजेंद्र धीटा की परफॉर्मेंस पर भी इस बार निगाह रहेगी। रोहड़ू का इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है। यहां वीरभद्र सिंह ने 1990 से लेकर 2007 तक लगातार 5 बार जीत दर्ज की। इसके बाद ये सीट आरक्षित हो गई और वीरभद्र ने 2012 का चुनाव शिमला ग्रामीण से लड़ा। रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र आरक्षित होने के बाद कांग्रेस ने यहां मोहनलाल बरागटा को टिकट दिया और वे रिकॉर्ड मत लेकर जीत गए। 2017 में भी रोहड़ू से मोहनलाल बरागटा की जीत हुई। बीते 40 साल में भाजपा यहां सिर्फ एक बार जीती है, वो भी केवल 2009 के उपचुनाव में। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह मंडी से जीतकर सांसद बन गए और रोहड़ू में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में भाजपा में खुशीराम बालनाहटा विजयी रहे थे। उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मंजीत सिंह ठाकुर को हराया था, पर उपचुनाव के दौरान लोगों से किए गए वादे भाजपा पूरे नहीं कर सकी और 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खुशीराम बालनाहटा तथा उनके समर्थकों ने भी भाजपा से किनारा कर लिया। अब इस बार फिर रोहड़ू में भाजपा की राह मुश्किल दिख रही है। मोहनलाल बरागटा को लेकर क्षेत्र में कोई खास एंटी इनकमेंसी भी नहीं दिखी है और यदि इस बार फिर वीरभद्र फैक्टर चलता है तो जाहिर है कि इसका सीधा लाभ बरागटा को मिल सकता है। बहरहाल रोहड़ू में किसकी जीत होती है इसके लिए 8 दिसंबर का इंतजार रहेगा। सियासत कर्मचारी पक्ष विपक्ष कांग्रेस के ही नेताओं से पूरा फाइनेंस जो है डिरेल कर बागवानों का मुद्दा हो या आपके हक की आवाज, हम हैं फर्स्ट वर्डिक्ट। हमें आपने बनाया है हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक अखबार। हमें आपने बनाया है सबसे विश्वसनीय वेब न्यूज पोर्टल। हमें आपने बनाया है सबसे बेहतर सबसे असरदार। सटीक खबरें और उत्तम विश्लेषण के लिए लाइक और फॉलो करें हमारा फेसबुक पेज